अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है फंक्शनल एनालिसिस। ठीक है, इसके ऊपर जो है कुछ एमसीक्यूज हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है इसके अंदर एक मैट्रिक स्पेस है और यूक्लिडियन प्लेन आर स्क्वायर है, सीक्वेंस स्पेस एल इन्फिनिटी है, फंक्शन स्पेस है। तो इसके अंदर इन तमाम टॉपिक पर इंशाल्लाह आगे जाके मैं वीडियो बनाऊँगी। अभी तो जो है हम कुछ बात करते हैं मैट्रिक स्पेस के ऊपर। मैट्रिक स्पेस के अंदर क्या होता है कि दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो या तो ज़ीरो होता है या ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ जो है मैट्रिक स्पेस की वो ये हैं कि जो डी एक्स वाई है वो किसके इक्वल होता है। पहली जो इसकी चार प्रॉपर्टीज़ हैं, हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। इसमें जो है डी एक्स वाई जो है उधर एक्स माइनस वाई जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड है जो मोड है एक्स माइनस वाई का वो ज़ीरो आना चाहिए। फिर एक्स माइनस वाई जो है किसके इक्वल है, वाई माइनस एक्स के, और एक्स माइनस जेड जो है ये लेस देन और इक्वल टू हो एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड के प्लस के। ठीक है, अब ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो मैंने जो है इधर नोट डाउन किए हैं, तो आई होप आपको इससे जो है कुछ बेनिफिट होगा। फंक्शन जो है, अगर फंक्शनल जो है, अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो आइडेंटिकल होगा तो डिस्टेंस जो है क्या होगा, ज़ीरो होगा। यानी कि अगर पॉइंट्स के बीच से जो डिस्टेंस अगर ज़ीरो है तो वो फंक्शन आपके पास क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। स्पेस एल पावर पी पे जो है पी जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होगा, और जो हर एलिमेंट है एल पावर पी का वो सीक्वेंस होगा। ठीक है, आगे है जीरो मैट्रिक, इसको हम सेमी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, जो इसका सेकंड नेम है उस सेमी मैट्रिक्स करें या सीरो मैट्रिक करें बात एक ही है। इसकी भी जो है चार प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, वो आप देख लें, वो एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होने चाहिए, और ये एक्स वाई जो है ज़ीरो होने चाहिए, और एक्स वाई जो है वो इक्वल होने चाहिए डी वाई एक्स के, और एक्स जेड जो ऊपर हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, एक यहाँ पे बात नोट करने की है कि हर मैट्रिक जो है वो सीडो मैट्रिक्स होता है, यानी कि आपके पास जो भी मैट्रिक स्पेस है वो सीडो मैट्रिक्स होगा, लेकिन हर सीडो मैट्रिक्स जो है सीडो नहीं हो सकता। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। अब जो है नेक्स्ट है ऑफ डायगोनल और मेन डायगोनल और ऑन डायगोनल जो है ज़ीरो होते हैं मैट्रिक स्पेस में। ठीक है, जबकि सीडो मैट्रिक्स में ऑन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो होते हैं लेकिन ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो है नॉट ज़ीरो होते हैं। मैट्रिक स्पेस जो है उसको हम कंप्लीट मैट्रिक स्पेस जब कहते हैं जब हर कॉची सीक्वेंस जो है वो एक्स के अंदर क्या होनी चाहिए, कन्वर्ज होनी चाहिए। ठीक है, और जो लिमिट है जो एक एलिमेंट की होती है एक्स की हो। ठीक है, हमारे पास एक थ्योरम भी है कि हर कन्वर्ज सीक्वेंस जो है मैट्रिक स्पेस में वो कॉची सीक्वेंस होती है। अब वेक्टर स्पेस की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो देख लें कि वी जो है वो नॉन एम्प्टी सेट होता है और एफ़ जो है फील्ड है, वो चाहे रियल नंबर्स की हो या कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हो। तो वी को हम जो है वेक्टर स्पेस कहते हैं एफ के ऊपर, और ये अगर कुछ कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई करे तो उस कंडीशन पे कहते हैं। वो कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास वी है वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन। ठीक है, और ये जो ए है फिर ब्रैकेट में वी वन प्लस वी टू है किसके इक्वल आना चाहिए, ए वी वन प्लस ए वी टू के, और ए प्लस बी और ये जो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है वी से तो ये होना चाहिए ए वी प्लस बी वी, और ए बी जो मल्टीप्लाई हो रहा है वी से वो हो ए बाहर हो ले लेंगे इजिकल टू के उस तरफ, फिर बी और वी को एक साथ रख देंगे मल्टीप्लाई में, वी को वन से यानी कि आइडेंटिटी से वो करें तो वी ही आंसर आए। अच्छा, अगर f जो है फील्ड आपके पास जो है रियल नंबर्स के इक्वल है तो हमसे कहते हैं रियल वेक्टर स्पेस, और अगर वो कॉम्प्लेक्स के है तो फिर हमसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतनी वीडियोस काफ़ी हैं, और आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो मज़ीद वीडियोस के लिए जो है आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं और मज़ीद वीडियोस जो है इस टॉपिक पे बनाऊंगी, और इसके अलावा भी जो है मज़ीद जो हमारे पास सब्जेक्ट हैं उस पर भी वीडियोस अपलोड करूंगी।